नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों आज हम धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के एसआरएस सिटी में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सौरभ चौधरी जी के निवास स्थान पर, जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सदस्य भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। आज उनके निवास स्थान पर हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मी राय चौहान जी से, लक्ष्मी सिंह चौहान, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में लेडी सिंघम के नाम से जानी जाती हैं। पिछले 25 वर्षों से, लगभग 25 वर्षों से एक दबंग पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में उनकी एक अलग ही पहचान है। उन्होंने अपनी इस दबंग पहचान के साथ साथ ग्लैमरस की दुनिया में एक अपनी एक नई पहचान स्थापित की है। बीते दिनों कलकत्ता की हयात रेजिडेंसी में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, इंडी रॉयल द्वारा आयोजित मिस एंड मिसिस 2022 ब्यूटी प्रेजेंट प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में क्वीन ऑफ इंडिया का अवार्ड हासिल किया है डॉक्टर लक्ष्मी सिंह चौहान जी ने। आज कुरुक्षेत्र में पधारी हैं, कुरुक्षेत्र में धार्मिक स्थलों का भ्रमण करने के लिए पहुंची हैं। ऐसे में उनसे ये मुलाकात अपने आप में इसलिए खास है क्योंकि एक महिला जो अपनी इस दबंग छवि के साथ साथ और एक अलग नए क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल करती हैं, औरों के लिए एक प्रेरणा बनती हैं, और आज हम उनसे बातचीत करेंगे विभिन्न विषयों को लेकर। नमस्कार मैम। नमस्कार। सबसे पहले आपका कुरुक्षेत्र पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। मैं ये जानना चाहूंगा कि आप पिछले लगभग 2 दशकों से अधिक समय से उत्तर प्रदेश में एक दबंग छवि की एक महिला इंस्पेक्टर के रूप में जानी जाती हैं, लेडी सिंघम के रूप में जानी जाती हैं। इस प्रतियोगिता में, जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता में भाग लेने की प्रेरणा, एक विचार या आइडिया कहाँ से आया? मेरा ये मानना है कि पुलिस डिपार्टमेंट को जो आम जनता होती है सिर्फ इसी नज़र से देखती है कि पुलिस सिर्फ चोर बदमाशों को पकड़ सकती है या सुरक्षा संबंधी कार्य कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती है। कई बार देखा जाता है कि हमारे पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों का जो व्यवहार है वो भी जनता के प्रति अच्छा नहीं होता है। तो इसको लेकर के हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम चला रही है। तो कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम में जो है बच्चे, बड़े, बूढ़े, जो भी हमारे समाज के लोग हैं, तो उसके अंदर जो है पुलिस की छवि बदले। इसलिए पुलिस सिर्फ यही काम नहीं कर सकती है, और भी काम कर सकती है। जैसे आपने देखा कि कोरोना काल में पुलिस की छवि एक आम जनसेवक के रूप में आप सबके सामने आई थी और काफ़ी सराहना की गई थी। समाज के संभ्रांत लोगों ने, बड़े लोगों ने पुलिस को पुरस्कृत भी किया था। तो इसी के चलते मेरे द्वारा ये ब्यूटी प्रेजेंट किया गया पुलिस की छवि को तोड़ने के लिए और आम जनता की मानसिकता को तोड़ने के लिए। जो ये प्रतियोगिता थी, इस प्रतियोगिता में कितने प्रकार, कितने लोगों ने भाग लिया, जो इतने कंपटीटर थे, और किस किस राज्यों में, और प्रतियोगिता की रूपरेखा क्या थी? प्रतियोगिता की रूपरेखा ये थी कि ये बेसिकली ब्यूटी पेजेंट था, तो यहाँ मॉडल्स नहीं थे, हम लोग दीवाज थे। तो मॉडल्स और दीवाज में बड़ा फ़र्क होता है। मॉडल्स को एज ए हैंगर यूज़ किया जाता है किसी प्रोडक्ट के लिए, और जो दीवाज होती है, तो दीवाज का मतलब ये है कि हम वुमेन जितनी थी सभी उसमें वर्किंग थी, हाउस वुमेन शायद एक दो ही थी। तो हम लोग किस तरह घर को प्लस वर्किंग प्लेस को, अपने बच्चों को किस तरह मैनेज कर पाते हैं और बोल्डली हम काम कैसे कर पाते हैं, हमारा इनर जो स्किल्स है वो हम कैसे डेवलप करते हैं, कैसे काम, तो इनर और आउटर स्किल्स को कैसे मैनेज करके हम लोग चलते हैं और आगे कैसे बढ़ते हैं, इसी के लिए ये ब्यूटी पेजेंट था। मैम, जैसे पुलिस की जो एक ड्यूटी है 24x7 की मानी जाती है कि सातों दिन 24 घंटे कभी भी आप समाज की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, इतनी टफ जॉब में इस प्रतियोगिता के लिए खुद को तैयार करना एक बड़ी चुनौती होगी आपके लिए। भगवान की कृपा से सकल तो ठीक ठाक दी है उन्होंने मुझे, साथ ही एक मेरे अंदर कुछ भी काम करने की, कर गुजरने की एक जो पराकाष्ठा होती है ना, जुनून, वो मेरे अंदर है। तो अचानक विचार आया कि ऐसा मुझे करना है, और पुलिस की छवि से हटके एक अलग ये चीज़ है, तो विचार आया तो उसे पूरा करना था, और एक जुनून की तरह मैंने इसको लिया और अपने सीनियर से मैंने इसकी परमिशन ली। हमारे सीनियर डीआईजी अखिलेश कुमार निगम जी हैं, उन्होंने मुझे बकायदा पुलिस रेगुलेशन के तहत परमिट किया, और परमिट करने के बाद जब मुझे परमिशन मिली तो पुलिस वर्क करने के साथ साथ जो है मैंने ब्यूटी पेजेंट की भी तैयारी शुरू की। जैसे खान पान है, वेट लूज़ करना है, और फैशन से रिलेटेड टिप्स लेने हैं, तो इसमें इंडी रॉयल क्वीन की जो पेजेंट की जो डायरेक्टर हैं रोली त्रिपाठी जी, उनका काफ़ी सहयोग हुआ, और उन्होंने ऑनलाइन बहुत सारे हम लोगों के सेशंस लिए जिसमें उन्होंने इनर और आउटर ब्यूटी को, और मेकअप कैसे करें, हेयर कैसे संभालें, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए, हमारा ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, ये सब हम लोगों ने उनसे सीखा।
जैसे आपने क्वीन ऑफ इंडिया का खिताब जीता, क्वीन ऑफ इंडिया का खिताब जीतने के बाद जब आप वापस अपने होम टाउन में आए तो किस प्रकार की लोगों की प्रतिक्रिया, एक स्वागत, एक खुशी आपको देखने को मिली? बहुत अच्छा लगा। सोशल मीडिया पर भी अब तो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, तो सोशल मीडिया से लोगों को पता चल गया था कि मैंने क्वीन ऑफ इंडिया का खिताब कोलकाता रीजेंसी में जीता है, तो सब लोग बहुत खुश हुए और मेरे डिपार्टमेंट के लिए ये गौरव की बात थी, क्योंकि जब मेरे सर ने मुझे परमिशन दी थी तो स्पेशली उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर लक्ष्मी तुम इसे जीत करके आओगी तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर की इच्छा पूरी हुई, उन्होंने मुझे परमिट किया था और मेरे डिपार्टमेंट ने सब ने मुझे कॉन्ग्रेट्स किया और मुझे अवार्ड भी किया। अक्सर ये देखा जाता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, हर पेरेंट्स ये जाता है कि जिस घर परिवार में बेटी है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ये लगता है कि सबसे ज़्यादा बेटियों के लिए सुरक्षित और जो जॉब है वो टीचिंग मानी जाती है। आप पीएचडी हैं, पीएचडी सोशियोलॉजी हैं, एमए एलएलबी भी हैं, तो आप टीचिंग लाइन में भी जा सकती थी, पुलिस लाइन में ही आपने अपना कैरियर क्यों चुना? इसकी खास वजह मेरे डैड हैं जिनकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिला। मेरे डैड भी 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं और बहुत पहले जब मैं बहुत छोटी थी तो उन्होंने 2 डकैट्स का इनकाउंटर किया था, वो 1-1 लाख के नामी थे, तो मैं पापा से बहुत इंस्पायर थी और डैड मुझे प्यार भी बहुत करते थे। पापा को देख करके मुझे ऐसा लगा कि मतलब घर में नेक्स्ट टू मुझे ही पुलिस डिपार्टमेंट जाना चाहिए और मुझे बड़ी ग्लैमरस ये जॉब लगती थी, तो इसलिए मैंने इस डिपार्टमेंट को चुना। वो भी लगता हुआ मेरी बेटी नहीं बेटा है। हाँ, मेरे डैड ने मुझे कभी बेटी माना ही नहीं, वो मुझे बेटा ही कहते हैं। और ये आपने बिल्कुल सच कहा कि पेरेंट्स हमेशा चाहते हैं उनके बच्चे आगे बढ़े, तो उनकी ब्लेसिंग्स तो हैं हमारे साथ। जैसे आपने ग्लैमरस की दुनिया में कदम रखा है, एक बड़ा अवार्ड हासिल किया है, क्योंकि जिस प्रकार से आपकी पुलिस में छवि रही है, लेडी सिंघम की और दबंग छवि रही है, तो ऐसे में ऐसे करेक्टर, ऐसे जो लोग होते हैं वो अक्सर फिल्म कलाकारों को, फिल्म अभिनेताओं को, निर्देशकों को, निर्माताओं को और बड़े बड़े सीरियल के जो मेकर होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं अपनी कहानी का मेन पात्र चुनने के लिए। कहीं आपको ऑफर आई है किसी अभिनेता एक्टर की ओर से, निर्माता की ओर से, निर्देशक की ओर से सीरियल के लिए? देखिए, ये सब तो भविष्य के गर्त में, अगर आएगी तो उसके बारे में विचार किया जाएगा। और बाकी तो हम लोग रियल मतलब पर्दे पर एक्ट करा जाता है फिल्म इंडस्ट्री में, आपको पता है, लेकिन हम तो रियल लाइफ में एक्ट करते हैं, सारी दुनिया देखती है जब हम लोग वर्किंग करते हैं पुलिस की। तो मेरे रियल में भी मतलब इनकाउंटर्स रहे हैं, आउट ऑफ टर्न मेरा प्रमोशन हुआ है, तो हम तो पर्दे से हट के रियल में जनता के सामने रियल एक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग तो रियल हीरोइन हो गए। और अगर मेरी लाइफ से रिलेटेड कोई ऐसा ऑफर आएगा कि फिल्म इंडस्ट्री में वो जाए, लोग देखें, तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी। मैम, जैसे इस समय आप SIBCID कॉरपोरेशन सेल आगरा में सेवाएं प्रदान कर रही हैं, पिछले लगभग 25 सालों से आप पुलिस में हैं और विभिन्न शहरों में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं और विभिन्न सरकारों में भी आपने काम किया है, तो जो कई दशकों पहले पुलिस की छवि थी, उस छवि में और अब की छवि में कितना बदलाव आप महसूस करती हैं? देखिए, पुराने ज़माने में चूँकि जो पुलिस रेगुलेशन है हमारा बहुत पुराना है और कहीं ना कहीं वो अंग्रेज़ों का दिया हुआ है, तो अब जो पुरानी गवर्नमेंट्स थी और अब की गवर्नमेंट्स में और पुराने समय से अभी में थोड़ा लोग ब्रॉड माइंडेड हुए हैं और पुलिस को भी ये लगा है कि सिर्फ पुलिसिंग करने से ही काम नहीं चलेगा, तो पुलिसिंग भी चेंज हुई है। हमारी जो गवर्नमेंट आई, अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उन्होंने काफ़ी चीज़ों को चेंज किया है, मतलब जब जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से पुलिस से काम किया जाए कि भाई जब गुंडों से, बदमाशों से निपटना है तो उनको उस तरह कड़ाई से निपटा जाए, जहां सॉफ्ट कॉर्नर की ज़रूरत है वहां पे सॉफ्ट कॉर्नर्स लिए जाएँ। जैसे पहले महिला थाने नहीं होते थे, महिला थाने वो अपनी बात कहने बताने में डरती थी, जेंट्स से कह नहीं पाती थी, महिलाओं की भर्ती भी बाद में डिपार्टमेंट में शुरू हुई, स्टार्टिंग से नहीं थी, अब तो सभी जगह हो गई है, आर्मी एयरफोर्स सब में ही हो गया है, पुलिस के साथ साथ अलग से BASF और CRPF की पुलिस की बटालियंस खड़ी हो गई हैं, तो अब महिला थाने खुल गए हैं जहाँ महिलाएं जाके अपनी बात कह सकती हैं फ्रिक्वेंटली, और साथ ही साथ हर थाने में अब एक महिला डेस्क भी खुल गया है कि भाई दूर नहीं जा सकती हैं, महिला थाना हो सकता है उनके घर से दूर हो, बेसिकली उसे बनाया तो सिटी के सेंटर में ही जाता है, सिटी में ही, लेकिन अब हर थाने में एक महिला डेस्क भी खुल गया है जहाँ पर महिलाएं जाके अपनी बात को कह सकती हैं। और जो बेसिकली जो आपके PCR मोबाइल है उसमें भी महिलाओं की तैनाती की गई है ताकि महिलाएं अभी अचानक उन्हें ज़रूरत पड़े तो उनसे अपनी बात कह सकें। दूसरा, वुमेन पावर लाइन का भी इतना बड़ा लेवल पर वुमेन पावर लाइन को भी जो है पुलिस के उससे जोड़कर एक नया वो बनाया गया है जिसमें महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित और सारी बातें, और अब
ऐसा ही नहीं कि सिटी में, गांव में भी जाकर के अगर किसी को कोई ज़रूरत है या फैमिली के कोई झगड़े वगैरह हैं तो उनको भी निपटाने का काम वुमेन पावर लाइन करती है। और आपके 100 डायल जो है बेसिकली मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो महिलाओं के लिए ही बनाई गई होगी, लेकिन अब तो जनरल उसका यूज़ होता है महिला पुरुष के लिए, लेकिन वो 100 डायल भी काफ़ी महिलाओं के लिए सुरक्षा से संबंधित है। और बहुत जल्दी इतना अच्छा हमारी यूपी में, जब से हमारी योगी जी की सरकार है सीएम साहब की, तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स टाइम है उनका, 1 मिनट से लेकर 10 मिनट के अंदर का रिस्पॉन्स टाइम है, तो कहीं भी वो तुरंत पहुंच जाते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। जिस प्रकार से आपने बताया कि महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस ने इतने कदम उठाए, नई नई स्कीमें लाई हैं, तो कहीं लगता है कि महिला उत्पीड़न और महिलाओं के खिलाफ जो महिलाओं को लेकर जो आंकड़े सामने आते थे अपराध के, वो कहीं कमी आई है? हाँ जी, काफ़ी कम आया है। देखिए, सिर्फ प्रदेश ही नहीं, हमारे भारत के स्तर पे हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने भी देखिए एक बिल पास किया था 3 तलाक वाला, तो वो भी एक तरह से वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित है कि तुरंत 3 बार तलाक कह देना और उन्हें छोड़ देना और बेचारी बच्चों को लेके घूमती रही यहाँ वहाँ, कोई उनसे लॉ नहीं है, कोई न्याय नहीं है, कुछ नहीं है। तो 3 तलाक जब इतने बड़े लेवल पे उन्होंने मतलब इस चीज़ को सोचा, पहली बात है ये विचार आना ही बहुत बड़ी बात है कि कितने सारे काम होते हैं देश में, ये विचार आया महिलाओं संबंधित। एक आपने और भी ऐड वगैरह में देखा होगा कि बुज़ुर्ग महिला चूल्हे में काम कर रही है तो उन्होंने जो है गैस को सब्सिडी दे करके महिलाओं को, हाँ, तो उज्ज्वला उनकी जो योजना है। फिर प्लस जब बेटियाँ पैदा होती हैं, आप देखेंगे हरियाणा में कितना कम हो गया था, आपको पता होगा अनुपात, लिंग अनुपात कितना कम हो गया था, तो कि जिनके घर में बेटी पैदा होगी उनको फ्री शिक्षा देंगे, उनको पैसे देंगे, उनका जो खान पान होगा वो सब गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा, तो ये सोचना ही अपने आप में एक बड़ी बात है, फिर उसको कार्य रूप देना। तो मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए जब इस तरह से योजनाएं आई और उन पर काम धरातल पर शुरू हुआ तो महिला उत्पीड़न काफ़ी कम हुआ है पहले से। यूपी में आपकी जो इमेज है लेडी सिंघम की है, उसकी मुख्य वजह क्या है, लेडी सिंघम ही क्यों कहा जाता है आपको? उसकी मुख्य वजह ये हो सकती है कि जब मैं 25 साल पहले डिपार्टमेंट में आई थी तो एक मानसिक सोच होती है पुरुषों की, सबसे पहले महिला को देखेंगे किसी भी क्षेत्र में, पुलिस को आप छोड़ दीजिए, कि पता नहीं इससे होगा नहीं होगा, कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, एक तुरंत दिमाग में ये ख्याल आता है। तो यही ख्याल सबके दिमाग में था, तो मेरी जहाँ भी पोस्टिंग होती थी हर जगह मुझे प्रूफ करना पड़ता था कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मुझे ये आता है। हमारे आउटडोर एंड इंडोर होता है, लिखा पढ़ी होती है, केसेस लिखे जाते हैं उनका, इन्वेस्टिगेशन वगैरह, तो आउटडोर इंडोर हर जगह मैंने फिर आउटडोर में भी मेहनत की, इंडोर में भी मेहनत की। प्लस मुझे बैक में मेरे डैड का सपोर्ट था, चूँकि वो पुलिस डिपार्टमेंट थे, मेरे पिता के साथ साथ वो मेरे गुरु भी थे, उन्होंने मुझे सिखाया। और इस समय आईबी में है राजीव रंजन वर्मा साहब, वो मेरे पुलिस के गुरु हैं जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि पुलिसिंग कैसे की जाती है, तो उसको मैंने सीखा और सीखने के बाद मैंने उसी तरह काम किया। तो मैं एक ऐसी महिला पुलिस अधिकारी हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिसने इनकाउंटर्स किए हैं, तो मैंने किए हैं, तो इसीलिए मेरी छवि जो है लेडी सिंघम के लिए। मैम, अब पुलिस में हैं, महिला भी हैं, आपका रोज महिला सुरक्षा से, महिला उत्पीड़न के केसों से वास्ता पड़ता है, अक्सर ये धारणा रहती है कि महिलाएं जो हैं कहीं ना कहीं पुरुषों द्वारा उत्पीड़न का शिकार रहती हैं, केस इसलिए होते हैं, इल्ज़ाम भी पुरुषों पर ही लगते हैं, कहीं ऐसा भी होता है कि लगता है आपको कि जो पुरुष हैं वो भी महिला उत्पीड़न का शिकार हैं, क्योंकि आप दोनों साइड देखती हैं? जी हाँ, जब मेरी तैनाती महिला थाने में थी 2012-13 में, मैं नोएडा में पहुँच थी, तो वहाँ कुछ ऐसे केसेस आए, तो पहले तो उन्होंने फ़ोन पर बात की जेंट्स ने कि मैडम क्या आप महिला थाने में सिर्फ महिलाओं की सुनती हैं क्या, और क्योंकि वो महिलाओं के लिए थाना बनाया, हमारी कौन सुनेगा, हम भी अपनी कुछ बात कहना चाहते हैं। हमने कहा नहीं, आइए, आपका स्वागत है भाई, न्याय तो सबके लिए बराबर है। तो उन्होंने आके कुछ बातें इस तरह की रखी जिससे लगा कि हाँ भाई उनका भी मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। तो देखिए, हर चीज़ का समाधान है, उनके परिवार के लोगों को, उनकी वाइफ को, जिनसे भी उन्हें प्रॉब्लम थी उनको बुलाया गया, समझाया गया, उन लोगों की समझ में आई। तो ऐसा है कि अगर मध्यस्थता, आपने सुना होगा कि महिला थाने में मध्यस्थता केंद्र भी है, और अब ऐसे नहीं, पहले दहेज का मुकदमा लिखा जाता था, काफ़ी मुकदमे बीच में गलत लिखे जाने लगे, झूठ लिखे जाने लगे, जैसे आपने कहा है कि मतलब अगर औरत के मन की नहीं हुई तो उसने झूठा आरोप लगा के मुकदमा लिखा, तो अब मध्यस्थता सीधे कोई जेल नहीं भेजता आपको, ठीक है, जो डाउरी के केसेस लिखे जाते हैं या महिला उत्पीड़न केस लिखे जाते हैं उसमें मध्यस्थता होती है, दोनों लोगों को बुलाया जाता है, दोनों पक्षों को सुना जाता है, उसके बाद निर्णय लिया जाता है। ऐसे ही फिर केस अगर हम लोग इन्वेस्टिगेट करें, इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो कोर्ट में जाता है, वहाँ पर भी मध्यस्थता होती है, दोनों लोगों के परिवार के लोग बैठते हैं, एडवोकेट्स बैठते हैं, दोनों तरफ की बात सुनी जाती है, उसके बाद कोई निर्णय लिया जाता है। तो ये कहना कि मतलब सिर्फ महिलाओं के लिए महिला थाने बने हैं, ये गलत है, उसकी धारणा ये नहीं है। उसकी धारणा ये है मेन कि परिवार ना टूटे, सब लोग एक साथ चलें और दोनों को समझा जाए, पुरुष को भी और महिला को भी, तो जिसकी कमी होती है उसे समझाया जाता है, बताया जाता है और उसके बाद निर्णय लिया जाता है।
मैम, अगर आपने भी नोटिस किया हो कि पिछले काफी समय से जिस प्रकार के आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं, अक्सर ज्यादातर पुरुष ही सामने आते थे इन आपराधिक गतिविधियों में, आजकल महिला अपराधियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, इसकी क्या वजह मानते हैं आप? एक सबसे ज्यादा ना हनी ट्रैप केसेस आप लोग सुन रहे होंगे मीडिया में, तो हनी ट्रैप बढ़े हैं। तो हनी ट्रैप में मतलब थोड़ा सा कि महिलाएं खूबसूरत होती हैं, अपनी अदाओं से पुरुषों का मन मोह लेती हैं, वो तुरंत उनके जाल में फंस जाते हैं। तो एक हनी ट्रैप अभी मतलब क्राइम जो सबसे ज़्यादा ग्राफ जिसका हनी ट्रैप का बढ़ा है, ये बात आपकी एकदम सत्य है। तो इसका ये भी हो सकता है कि भाई जो ग्लोबलाइजेशन होता है, जैसे आपने सुना होगा कि लड़के ने कहा कि मैंने चेन स्नैचिंग की तो अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए, क्योंकि वो करता कुछ था नहीं। तो ऐसी ही कुछ महिलाओं को ये है कि वो बाहर की दुनिया देख करके कि इसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, इसके पास गाड़ी बहुत अच्छी है, इसने ज्वेलरी बहुत अच्छी पहनी है, इसका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, या हॉस्टल में जो लड़कियां रहती हैं तो दूसरे को देखती हैं भाई सब घर लोग बराबर समान नहीं हो सकते, तो वो देख करके बाहर की दुनिया को देख कर उनके मन में ऐसा ख्याल होता है ये ऐसा मैं क्यों ना करूँ। तो क्यों ना करने के लिए तो भाई मेहनत करनी पड़ती है, तभी पैसा कमाया जाता है। तो ये एक शॉर्ट रास्ते वो लोग ढूंढते हैं कि बड़े लोगों को फंसा लो और फंसाने के बाद ईजिली मनी मिल जाएगा और हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। मैम, अब पुलिस में भी हैं और आजकल युवा शक्ति जो रोजगार के अवसर पाना चाहते हैं, काफी लड़कियां हैं जो यंगस्टर हैं और पुलिस की सेवाओं में अपने देश सेवा, पुलिस सेवा के माध्यम से देश सेवा करना चाहती हैं, उन लड़कियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा लड़कियों से यही कहना है कि देखिए पुलिस विभाग एक तरह से जो है हमारे पास कानूनी अधिकार आ जाता है किसी भी कार्य को करने का। पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है और हमें कानूनी अधिकार प्राप्त होता है आईपीसी सीआरपीसी के द्वारा, तो हम किसी की भी इजीली सेवा कर सकते हैं। तो मैं कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करें और लोगों की सेवा करें, सेवा संस्कार का इससे अच्छा मौका कुछ मिल नहीं सकता। और गवर्नमेंट हमें पूरी पावर देती है जो लोग गलत हैं उनको गलत साबित करने का और जो लोग सही हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने का। मैम, आप एक महिला अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उसके साथ साथ आप एक नारी भी हैं, माँ भी हैं, बेटी भी हैं, बहन भी हैं, ऐसे में जो युवा शक्ति है जो ना चाहते हुए जानबूझकर या अनजाने में कहीं आपराधिक प्रवृत्तियों में शामिल हो जाती है, नशे के दलदल में फंस जाती है या आपराधिक घटनाओं में स्लिप्ट हो जाती है, ऐसे युवा शक्ति को आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो ऐसी आपराधिक गतिविधियों से दूर रहें, किस प्रकार की अपनी दिनचर्या में बदलाव लाएं या किन चीज़ों से दूर रहें, सचेत रहें, जिस प्रकार पुलिस एक जागरूक करती है युवाओं को? देखिए सबसे पहले हमारी प्रकृति है, मैं जो करती हूँ और मेरा जीवन एक संघर्ष की कहानी है, शायद उत्तर प्रदेश पुलिस में वहाँ की जनता और लोग सब लोग जानते हैं, मैं खुद उसकी एक जीती जागती उदाहरण हूँ। मेरा ये कहना है कि हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए, हमें अपने जो संस्कार हैं हमारे, जो भारत क्यों जाना जाता है हमें संस्कारों से, तो हमारे जो संस्कार हैं उन्हें हमें अडॉप्ट करना चाहिए। हमारे संस्कारों में कहीं नशा नहीं सिखाया गया है, अगर हम अपना साहित्य पढ़ें, अपना इतिहास पढ़ें, कहीं नशा नहीं करना है। अगर बच्चे नशा करते हैं तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, भले ही वो वर्किंग हैं उनको देखें, पूरा ध्यान रखें उनको दूसरी तरफ, प्लस उनकी इनर और आउटर स्किल्स को डेवलप, कि हर व्यक्ति अपने में महान है, हर व्यक्ति भगवान ने ऊपर से सबको बराबर बनाकर भेजा, सबके बराबर दिमाग है, हाथ है, पैर है, आँख है, नाक है, सबके पास बराबर है, ठीक है। तो हर व्यक्ति क्या करे कि अपनी आउटर और इनर स्किल को डेवलप करे, कि हर व्यक्ति में एक स्पेशलिटी होती है, कोई जैसे आपने देखा कोई ड्राइंग अच्छी बनाता है, कोई दौड़ता भागता अच्छा है, कोई स्पोर्ट अच्छा करता है, कोई लिखता अच्छा है, कोई बोलता अच्छा है, तो हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। तो जो क्वालिटी उसके अंदर है उस क्वालिटी को उनके पेरेंट्स निकालें, वो खुद अपनी क्वालिटी को निकालें और निकाल के बाहर ला के उसको जुनून की तरह से, जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक योजना तैयार की थी ना युवाओं के लिए, जिसमें वो मतलब जैसे मोबाइल रिपेयर और ये वो उसका स्किल इंडिया करके, तो वो मेन वही चीज़ है। तो इसी तरह आपके अंदर जो क्वालिटी है उसको आप डेवलप करिए और डेवलप करके उसको बिल्कुल जुनून की तरह लेकर करिए, आप तभी उसको कर पाएंगे। और इसमें सहयोग पेरेंट्स को करना चाहिए, और अगर बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो उनको खुद समझाएँ, उनको बताएँ। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आप पहुंची हैं, पहले भी आ चुकी हैं, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भाग ले चुकी हैं, इसमें कुरुक्षेत्र के बारे में क्या कैसा अनुभव है आपका? मैं यहाँ गीता महोत्सव में आई थी और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पिता पुलिस डिपार्टमेंट रहते हुए बहुत धार्मिक हैं, धर्म को बहुत महत्व देते हैं, तो मैं डैडी से बहुत इंस्पायर हूँ। मैंने कहा पिता के साथ साथ वो मेरे गुरु भी हैं, तो मैं भी धार्मिक उसमें बहुत विश्वास रखती हूँ, बहुत स्पिरिचुअल हूँ, आध्यात्मिक हूँ, बिना पूजा किए मैं अन्न ग्रहण नहीं करती हूँ। और सबसे बड़ी बात है मेरे भाई सौरभ यहाँ पर रहते हैं, तो भाई से मिलने का मौका भी इसी बहाने मिल जाता है। और कुरुक्षेत्र को तो सभी जानते हैं कि यहाँ महाभारत हुई थी, और महाभारत एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे युवाओं के लिए कि जिसने गलत किया उसका क्या हश्र हुआ, और जो सच थे
वो संख्या में कितने थे? 5, ठीक है, और जो गलत कर रहे थे वो 100 थे। तो लोग ये सोचे कि शक्ति हमेशा जीतती, नहीं, सच हमेशा जीतता है, सच कभी हारता नहीं है। तो ये यहाँ से प्रेरणा सबसे बड़ी मिलती है, मुझे कुरुक्षेत्र बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मी सिंह चौहान, जो पुलिस में है, पिछले 25 वर्षों से उत्तर प्रदेश पुलिस में लेडी सिंघम के रूप में विख्यात हैं, और इन्होंने अब ग्लैमरस की दुनिया में एक नया आयाम स्थापित किया है। औरों के लिए रोल मॉडल हैं, औरों के लिए प्रेरणा है। धन्यवाद।